सभी को नमस्कार। आज हम समाजशास्त्र विषय के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों के लिए लगभग ये नया विषय है। हम ये जानें कि समाजशास्त्र क्या है, किन अवधारणाओं का हम इसमें अध्ययन करते हैं और कहाँ से या किस तरीके से समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ, किस तरीके से समाजशास्त्र का जो विषय है वह अस्तित्व में आया। देखिए, मनुष्य जो है वो प्रारंभ से, प्राचीन काल से, आदि काल से समाज में रहता आया है, परंतु उसने समाज और अपने स्वयं के अध्ययन में काफ़ी देर से रुचि लेना आरंभ किया। सर्वप्रथम मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, अपने चारों ओर के पर्यावरण को समझने का प्रयत्न किया और लास्ट में स्वयं अपने समाज के विषय में सोचना आरंभ किया। यही कारण रहा कि पहले प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ और उसके पश्चात समाज विज्ञानों का विकास हुआ। सामाजिक विज्ञानों के विकास के क्रम में भी समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में काफ़ी समय पश्चात विकास हुआ। 19वीं शताब्दी में ही इस नवीन विषय को अस्तित्व में आने का अवसर मिला। इस दृष्टि से अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र एक नवीन विषय है। समाजशास्त्र समाज का ही अध्ययन है, इसे हम समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान भी कहते हैं। इसके द्वारा समाज और सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रसिद्ध विद्वान ऑगस्ट कोम्ट को है, जिन्होंने सर्वप्रथम सन 1838 में इस नवीन शास्त्र, समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, यह नाम दिया। और इसी कारण ऑगस्ट कोम्ट को समाजशास्त्र का जनक या फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। समाजशास्त्र के प्रारंभिक अन्य लेखकों में कुछ महत्वपूर्ण उल्लेखनीय विद्वानों के नाम हैं। आप सबके लिए हालांकि ये नए हैं, लेकिन अब हम जब रोज़ समाजशास्त्र विषय को पढ़ेंगे तो इन सभी विद्वानों के नाम हमारे लिए, आप सबके लिए ज्ञात हो जाएंगे। इनमें हम दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर, बोगार्डस, कार्ल मार्क्स आदि महत्वपूर्ण विचारकों का जो उल्लेखनीय योगदान है समाजशास्त्र को, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से समाजशास्त्र हमारे लिए, आप सबके लिए एक नया विषय है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से अगर हम इस पर विचार करें तो समाजशास्त्र जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, और ये दो शब्द हैं सोशियस और लोगस। इन दोनों शब्दों से मिलकर समाजशास्त्र बना है। जो सोशियस शब्द है वह लैटिन भाषा से लिया गया है, जो लोगस शब्द है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है। आगे हम इनका अर्थ जानें तो देखिए, सोशियस का तात्पर्य है समाज और लोगस का तात्पर्य है शास्त्र अथवा विज्ञान। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ हो गया समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। यहाँ पर हमने समाज शास्त्र या समाज विज्ञान को एक साथ जोड़ा तो वह समाजशास्त्र बना। ऑगस्ट कोम्ट इसके जनक हैं और 1838 में यह विषय, यह शब्द जो ऑगस्ट कोम्ट ने दिया है इस विषय को, यह अस्तित्व में आया। इस प्रकार से समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति की जाती है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। शाब्दिक दृष्टि से समाज शास्त्र का अर्थ समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि समाजशास्त्र अस्तित्व में आया। अब हमारे पास में दो शब्द हैं, पहला शब्द है समाज और दूसरा शब्द है विज्ञान। समाज किसे कहते हैं? समाज के लिए हमें तीन महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको ध्यान में रखना है। इसमें सबसे पहला
दो या दो से अधिक व्यक्ति, दूसरा है सामाजिक संबंध और तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया। ये तीनों ही अवधारणाएं मिलाकर समाज का निर्माण करती हैं, क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनमें सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं और संबंध स्थापित होने के परिणाम स्वरूप वे व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करते हैं। इस प्रकार से ये तीनों अवधारणाएं मिलकर समाज का निर्माण करती हैं। दूसरी तरफ हम अगर शास्त्र या विज्ञान पर जाएं तो वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। किसी भी विषय को अगर हम वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हैं और क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस शास्त्र को हम विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से समाजशास्त्र शब्द अस्तित्व में आया, समाजशास्त्र शब्द बना। अब आगे हम इसमें जो सिलेबस हमारा है, जो विश्वविद्यालय ने निर्धारित कर रखा है, उसको दो पार्ट में बांट रखा है। पहला है समाजशास्त्र का परिचय, जिसमें हम समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। अनेक अवधारणाएं हैं, अनेक तथ्य हैं जिनका अध्ययन हम समाजशास्त्र के परिचय नामक पेपर में करते हैं। जैसे समाजशास्त्र के उद्भव के क्या कारण रहे, समाजशास्त्र हम किसे कहते हैं, इसका विषय क्षेत्र क्या है, कुछ समाज में जो मौलिक अवधारणाएं पाई जाती हैं जैसे समाज, समुदाय, सामाजिक समूह, संस्था, इन सभी का अध्ययन हम प्रथम जो प्रश्न पत्र है जिसे हम समाजशास्त्र का परिचय कहते हैं उसमें। दूसरा हमारा पेपर है जिसका नाम है भारत में समाज। इसमें हम अध्ययन करेंगे भारतीय समाज की जो मौलिक संस्थाएं हैं, जिनमें परिवार, विवाह, नातेदारी, जाति, वर्ग, इन सब का, इसके साथ साथ भारतीय समाज के सम्मुख कुछ चुनौतियां हैं जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा, ये कुछ चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों का हमें इस प्रश्न पत्र में अध्ययन करना है। इसके अलावा कुछ समाजशास्त्रीय विचारक हैं जैसे G.S. कुरिए, M.N. श्रीनिवास, R.K. मुखर्जी और लुई ड्यूमा, इन सब का अध्ययन हमें भारत में समाज नामक प्रश्न पत्र में करना है। आज के इस व्याख्यान में या इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।